राजनीतिक दल के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से माइंड मेकअप करके लोग आए हुए हैं। उन लोगों से बचना, वे खराब करना चाहते हैं आंदोलन को पूर्ण रूप से। उन लोगों से बचना जो रूट को डाइवर्ट गलत जगह करना चाहते हैं, उन लोगों से आपको सबको बचना है। वो हमारे लोग नहीं, उससे आप उससे आइडेंटिटी ले लो कि वो उस तरह धरने में कैंक दिन बिताए। जो धरने में कल आया और परसों आया, वो खराब करने की कोशिश करेगा, उन लोगों से जरूर बचना। उसका टेंट बूझना कहाँ है, वो कौन सा उसका टेंट है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ वो रुका हुआ है, कैंक दिन उसने धरने में बिताए। जो लोग 10 दिन धरने में नहीं बिता रहे, वो आंदोलन को खराब करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से बच के रहना। और आगे भी जब धरना चले तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर, दिल्ली। सर, आज की रैली से संदेश क्या गया है? संदेश आज की रैली से ठीक गया? क्या गया संदेश? गलत गया कोई? नहीं, जिस तरीके से लाखों की तादाद में किसने डीजल गिरवा था इनमें, जो हालात खराब आज देश के हो रहे हैं, उसने किसान यहाँ पाया। ठीक है जी, जिस तरीके से 3 दिन पहले आपने मंच से घोषणा करी थी, कुछ असामाजिक तत्व जो है इसमें आंदोलन में घुस के जो है आंदोलन को बिगाड़ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ? करते हैं, कुछ करते हैं, आ जा गड़बड़ करने वाले लोग भी आ जा भाई, सब आ जा। राजनीति वाले यही तो घुसाते हैं भाई। बैरिकेडिंग जो रूट तय कर दिया जी, पुलिस प्रशासन उस रूट पे नहीं गई, उस रूट पे बैरिकेडिंग कर रखे, आज भी कर रखे, अभी भी वहाँ पे जो रूट दिया है आनंद विहार का, उस पर बैरिकेडिंग कर रखे, तो किसान जाएगा कहाँ से? ये तो पूरा चाहते थे ना कि किसान दिल्ली की तरफ जाए, वहाँ के रूट हट गए। जो ओरिजिनल रूट है वो रूट पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करा है यहाँ के पुलिस प्रशासन ने। तो क्या चौधरी साहब, आपको लगता है कि इसमें शासन प्रशासन की कमी रही है या सरकार की रही है? वही रहती है, सरकार ही करवाती है इस तरह के काम, आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। कितने किसान आज की रैली में आपके हिसाब से सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर से शामिल है? क्या पता कितने कौन गिनती करेगा, किसानों की गिनती करता है। अब इसके बाद आप संसद मार्च की तैयारी है? नहीं नहीं, हमारा कोई संसद मार्च नहीं, हमारा यही था, यही धरने, हमारे जो धरने हैं ये चलते रहेंगे। आज के आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किस पे देना चाहिए? प्रशासन की है, पुलिस गोली से शहीद हुआ है तो पुलिस प्रशासन की है पूरी जिम्मेदारी। Let's go.